भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं, और उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक साथ लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वही थे जिन्होंने भारत को भारत बनाया, एक राष्ट्र बनाया, इसे जोड़ा, इसे अखंड बनाया, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत एक संयुक्त देश की स्थापना के लिए सरदार पटेल के किए कामों को ना तो कोई नकार सकता है और ना ही कोई भुला सकता है। लेकिन ये जो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है ना, उसे इन सब चीजों की अहमियत से कहां वास्ता। वो तो भारत को जोड़ने निकल पड़ी है, न जाने पैदल चलकर कौन से भारत को जोड़ने निकली हुई है कांग्रेस। अब यात्रा अगर निकाल ही रही है तो निकाले। अभी कुछ दिन पहले तक शांति थी, साल 2019 से शांति थी, लेकिन अब एक्टिव हो गई है और यात्रा के निकलने के साथ कुछ ऐसी एक्टिव हुई है कि कांग्रेस का नेता कोई भगवान राम पर टिप्पणी कर दे रहा है तो कोई भारत को टूटा हुआ बताकर देश के लौह पुरुष का अपमान करने से भी नहीं चूक रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी, तो वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने भारत को टूटा हुआ बता दिया है, और उनके मुताबिक वो इसी टूटे हुए भारत को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जोड़ने निकले हैं। आप, मैं देख रहा हूँ, आप नहीं देख रहे हैं क्या? धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं, और उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। हम तो महसूस करते हैं कि टूटा हुआ है भारत, बहुत उसको टूटने का प्रयास हो रहा है, और इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है, आपको भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है, और इसका एक मैनिफेस्टेशन ये यात्रा है, और यात्रा खत्म होने के बाद हम राजनीति की बात करेंगे। अब जब मणिशंकर अय्यर ने देश के लौह पुरुष के किए नेक कामों को, देश को अखंड बनाने में दिए उनके योगदान को कुछ इस तरह से अपमानित किया, तो फिर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, 1947 के विभाजन के दौरान ही भारत टूटा था, इसके लिए कांग्रेस को धन्यवाद। पूनावाला ने ट्वीट किया, कांग्रेस खुद राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक एक बार फिर से सरदार पटेल को कमजोर करने के लिए टूट गई है। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि भारत टूटा हुआ है, तो सरदार पटेल भारत को एकजुट करने में असमर्थ थे और राहुल गांधी इसे करेंगे, केवल विभाजन के समय भारत टूटा था, इसके लिए कांग्रेस को धन्यवाद। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर कहा कि कांग्रेस नेताओं को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी नेता ने मणिशंकर अय्यर से पूछा है कि कांग्रेस नेताओं को भारत को नीचा दिखाने का इतना जुनून क्यों है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग मणिशंकर के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शिवाजी नाम के यूजर ने लिखा, धर्म के आधार पर देश को 1947 में विभाजित करने वाला नेहरू और कांग्रेस, जात के आधार पर पूरे देश में सवर्णों के खिलाफ दलितों को लड़वाने वाली कांग्रेस, प्रदेशों को लड़वाने वाली कांग्रेस। मुकेश कुमार नाम के यूजर ने लिखा, हास्यास्पद बकवास, धर्म पर आधारित देश पाकिस्तान बांग्लादेश कांग्रेस ने किया, सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल सके इसके लिए करोड़ों हिंदुओं, जैनों, बौद्ध, सिखों का कत्लेआम होना पड़ा, तुम्हारे लोगों के मुंह में शोभा नहीं देता, देश में भी एक धर्म विशेष को हर तरफ बढ़ावा मिल रहा है। मुकेश हंदेल नाम के यूजर ने लिखा, जनता सब जानती है कांग्रेस ने देश के टुकड़े टुकड़े किए और आज भी कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है। जयंत नाम के यूजर ने लिखा, धर्म और जाति की गहरी खाई बनाई है कांग्रेस ने, मुस्लिम तुष्टिकरण और जाति आधारित आरक्षण ने इस खाई को गहरा ही किया है। संजीव सिन्हा नाम के यूजर ने लिखा, इसी आदमी की जरूरत थी, थोड़ा पहले आता तो हिमाचल में बीजेपी हारती नहीं। बात सही भी है,
ये जुबान ही तो है कांग्रेस के नेताओं की जो उन्हीं का खेल बिगाड़ देती है। कहां भारत राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो रहा है, कहां लोगों में देश हित देश प्रेम का भाव जाग रहा है और कहां ये लोग देश को टूटा हुआ बताकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से एक बार फिर से कांग्रेस के नेताओं ने उलझुलूल बयानबाजी शुरू कर दी है, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा या नहीं? आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी कांग्रेस के नेताओं की विवादास्पद भाषा बीजेपी के लिए लाभकारी साबित होगी? और जिस तरह से मणिशंकर अय्यर भारत को टूटा हुआ बता रहे हैं, उस पर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।